भारत पाकिस्तान मुकाबले पौने 2 लाख रुपए का टिकट, पोस्टर वॉर में पुलवामा और अभिनंदन का भी जिक्र। मैनचेस्टर में मुस्लिम ज्यादा है लेकिन 24 घंटे के लिए वो अल्पसंख्यक बना दिए जाएंगे। आज होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम के चाहने वालों की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ के अखबार दावा कर रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में 26,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा लोग टिकट की जुगाड़ में लगे हैं। 100 पौंड यानी 8,800 रुपए से लेकर 2,000 पौंड यानी कि 1,75,000 रुपए तक का टिकट बिक रहा है। बारिश का डर भी दीवानगी को कम नहीं कर पाया। जो लोग सफेद में टिकट लेंगे उन्हें तो बारिश होने पर पैसा वापस भी हो जाएगा, लेकिन ब्लैक वालों का पूरा पैसा डूबने के रिस्क है। कई ऐसे भी मैदान है जो मैदान आसपास घंटों पहले तख्ती लिए बैठे हैं। लिखा है आई वॉन्ट टिकट। नारेबाजी और तल्खी तो न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद से ही शुरू हो गई थी। हर तरफ या तो तिरंगा नजर आ रहा है या फिर हरा सफेद। आलम यह है कि घर में खुद को पराया महसूस कर रहे हैं। ट्रेन में मिले एगिस ने कहा कि हमें भी खुशी है कि ये मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन मैदान के बाहर हो रही खींचतान परेशान करती है। मुकाबला सिर्फ गेंद और बैट के बीच होना चाहिए, तुलना तो बिल्कुल ही सही नहीं है। जो उस दिन मैदान पर अच्छा खेले उसके लिए ताली बजानी चाहिए और पिछड़ने वाले की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कई ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेट नहीं समझते लेकिन जानते हैं कि आज मैनचेस्टर में भारत पाकिस्तान आमने सामने है। अफ्रीकी देश से आए छात्र जॉन इनियास तो होते कहते हैं कि मुझे क्रिकेट नहीं पता लेकिन शोर से समझ पा रहा हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हीं के साथ बैठे ग्रीस के एक शख्स सिर्फ इतना बोले कि समथिंग यूज हैपन। उन्हें ना तो अंग्रेजी आती है ना ही हिंदी। पोस्टर वार शुरू हो गया है, पुलवामा का भी जिक्र है और अभिनंदन की बातें भी हैं। सोशल मीडिया तो आग लगा ही रहा है, टीवी वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी है। मोहब्बत करने वालों की भी कमी नहीं है। भारत के सुधीर और पाकिस्तानी चाचा इंग्लैंड में ऐसे घूम रहे हैं जैसे दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। शिकागो चाचा का एक बयान भी चर्चा में है कि धोनी ने मुझे टिकट दिया है, खुदा उसे बहुत अच्छा रखे। सचिन तेंदुलकर के बयान ने भी आग लगाने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि हमें आमिर को धोना पड़ेगा तभी जाकर जीत पाएंगे। भारत पाकिस्तान के लोग इस मैच के लिए लाखों रुपए खर्च कर पहुंचे हैं। मैनचेस्टर आने वाली बस, ट्रेन और फ्लाइट का किराया 20 गुना तक महंगा हो गया है। होटल और हॉस्टल वाले भी दबाकर कमा रहे हैं। बारिश और ठंड के बावजूद कई दीवानों ने रथ जगा किया है। ठहरने की जगह नहीं मिली। मैदान के अंदर भले ही पानी फिरने का डर हो लेकिन बाहर तो आग लगी हुई है। श्रीलंका के राज सिंघे कहते हैं कि हमारी टीम ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए भारत पाकिस्तान का मैच देखने जाऊंगा। ये 17 साल से रह रहा हूं लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। इतना शोर तो फाइनल में भी नहीं मचेगा। अंग्रेजों का ये देश भारत पाकिस्तान के शोर को अरसों तक याद रखेगा। क्रिकेट में जीत किसी की भी हो लेकिन दीवानगी में तो मुकाबला टाई होता दिख रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।